अच्छा हमारे खुदी जिला से आए हमारे गार्जियन उनके साथ आए हुए सभी महान देशभक्त हमासा जी के एक अभियान जो हम लोग ने अलग अलग जाति समुदाय के लोग पिछले कई वर्षों से या कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से संवैधानिक अधिकारों से जो वंचित हैं दबे कुचले वंचित शोषित अति पिछड़े दलित आदिवासी समाज जिसको हम कह सकते हैं वो किसी भी क्षेत्र में उसको सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रही है। इसकी लड़ाई अलग अलग जाति के अगुआ समाज के लोग निरंतर लड़ते रहते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब तक एक साझा सामूहिक लड़ाई का रूप यह नहीं लेगा क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है और कुछ चंद लोग शासक वर्ग के लोग बहुसंख्यक समाज का अधिकार को उसके न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। इसी सोच के साथ हमने एक पहल किया हूँ दानवीर भामाशाह सम्मान समारोह के माध्यम से कि इस रांची जिला राष्ट्रीय दलित साहू महासंगठन के तत्वाधान में कि जो भी समुदाय के लोग हैं अति पिछड़े और दलित समाज के हो आदिवासी समाज के हो दबे कुचले समाज के लोग हैं वो लोग आए और अपने अनुभव को साझा करें जिससे कि एक बड़ी लड़ाई के लिए हम लोग सभी एकजुटता का परिचय दें और इसी के उद्देश्य के लेकर के आज ये बैठक रखा गया है। हम दिन रात हिंदू मुसलमान की बात कर लेंगे लेकिन अपने अधिकार की चर्चा दिन भर में एक बार नहीं करेंगे। हम एक बार आपस में बैठकर चर्चा नहीं करते कि एससी एसटी ओबीसी के कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, नहीं है तो आजादी के 75 साल बाद क्यों नहीं है, यह चर्चा होनी चाहिए। आज एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जो जनरल बच्चों से ज्यादा नंबर लाते हैं लिखित परीक्षा में, आखिर मौखिक परीक्षा में उनको इतना कम नंबर क्यों आ जाता है और वो फेल क्यों बन जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम के लिखित परीक्षा का आप आंकड़ा देख लीजिए। हमारे होनहार बच्चे जो जनरल क्लास के बच्चों से ज़्यादा नंबर लाया लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन जनरल कास्ट के बच्चे जो हमारे बच्चों से बहुत कम नंबर लाया वो आईएएस बन गए। हमारे बच्चों के भविष्य को रौंद रहे हैं? कोई मुसलमान नहीं है रौंदने वाला, कोई ईसाई नहीं है रौंदने वाला, रौंदने वाला हमारे ही समाज के मुट्ठी भर 2-4% लोग हैं जो एक तरफ हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर गुमराह करते हैं और दूसरे तरफ हमारे अधिकारों को लूटने का काम करते हैं। ये लूटने का अधिकार उनको किसी ने दिया है लेकिन उनकी मनोप्रवृत्ति ऐसी है, उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो जी और जीनों में विश्वास नहीं करते। उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो सबका हक मार करके जीना चाहते हैं और आज से नहीं सदियों से ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र बोलेंगे तो समर्थन नहीं मिलेगा, इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र बोल करके समर्थन लेना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब साफ साफ ब्राह्मण राष्ट्र। आज से लगभग एक साल पहले हमारे तेली समाज की एक विद्वान बेटी छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू जो वेद के प्रखंड ज्ञाता है, जब वेद वाचन करने निकली तो दर्जनों पाखंडियों ने उनको फोन करके मना किया कि तुम शूद्र हो, तुम वेद वाचन नहीं कर सकती। जब नहीं माने तो ये दर्जनों पाखंडियों ने कहा कि मोजरा करो मोजरा। अरे हमारी बेटियों ने कभी मोजरा नहीं किया, इतिहास गवाह है कि मोजरा किया है तो तुम लोगों के बेटियों ने। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र एक छलावा है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये ब्राह्मण राष्ट्र लाना चाहते हैं और जब ब्राह्मण राष्ट्र आ जाएगा तो कहेगा ब्राह्मण को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार होगा, क्षत्रिय को सिर्फ पढ़ने का अधिकार होगा, वैश्य को सिर्फ प्राथमिक शिक्षा से काम चलाना होगा और शूद्र को जिसको हम एससी एसटी ओबीसी कहते हैं इसको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। नारी शूद्र नाध्यताम, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र लाना चाहते हैं और ये कभी हम लोग पूरा होने नहीं देंगे।